सत श्री अकाल जी सारे नूं तुहाडा जे एम जी व्लॉग्स च वेलकम है। अज असीं बनाऊंगे पापड़ी चाट। सो पहला असीं अपनी पापड़ी दी डो रेडी कर लैंदे आ। सो गाइस पापड़ी बनाने वास्ते असीं एक कोली लई आ बेसन दी जिहड़ा हुंदा ग्राम फ्लावर, ते असीं एक कोली लई आ नॉर्मल आटे दी जिहड़ा हैगा ऑल परपज फ्लावर, ते असीं थोड़ा ना लई आ मक्खन ताकि डो सॉफ्ट बने ते पापड़ी क्रिस्पी बने, ते असीं इहनूं गुन्नना है नॉर्मल ना कोसे जिहे पानी दे नाल। सो चलो हुण असीं अपनी डो रेडी कर लैंदे आ। सो गाइज असीं अपने जिहड़ा आटा सी चंगी तरह मिक्स कर लिया, ते हुण असीं थोड़ा जिहा नमक पाया आ, ते हुण इहनूं असीं मिक्स करी जाणा आ। सो गाइज साडी पापड़ी दी डो हो गई रेडी, आखो किन्नी सॉफ्ट है, ते हुण इहनूं असीं 10 मिंट रैसट देनी है। सो गाइज जिन्नी देर साडा आटा रैसट करदा है असीं अपने आलू पा लैणे आ। सो गाइस साडे आलू बॉयल हो गए, तो हुण इन्हां नूं असीं पील कर लैंदे आ। सो गाइस मैं आलू पील करते आ, तो हुण इन्हां नूं मैं कर देना डाइस, तो यूज करूँगी मैं टॉपिंग्स वास्ते। सो गाइस साडे आलू हो गए चॉप, तो हुण असीं इहदे विच थोड़ा जिहा लूण पाना आ, थोड़ी जिही लाल मिर्च, तो थोड़ा जिहा गरम मसाला, तो उस विच तुसीं पा सकदे थोड़ा जिहा चाट मसाला। इहनां थोड़े आलूआं नूं फ्लेवर मिल जांदा, थोड़े प्लेन नहीं लगते। तो असीं मसाले पा के तुहानूं चंगी तरह मैश कर देना अपने हत्थां दे नाल। सो गाइस साडे आलू रेडी हो गए आ, तो चलो हुण अपनी पापड़ी बनाइए। डो दे पेड़े कर ले आ, ते असीं उस तेल भी गरम रखते, पिछे तुहानूं आवाज़ आउंदी होणी आ। तो चलो हुण अपनी पापड़ियाँ रोल आउट करते हैं, तो उन्होंने फ्राई करते हैं। सो गाइस पहला असीं नॉर्मल रोटी वांगर रोल आउट कर लैंदे आ। सो गाइस असीं रोल आउट करता आ, तो हुण असीं नॉर्मल स्टील के ग्लास नाल शेप बनाने आ, तो असीं प्रेस कर देना आ। जिदा सेम प्रोसैस जिंदा गोल गप्पे बनते आ, तो इदा असीं करता आ, तो फिर साढ़े बन गए आ, तो असीं उन्हें कढ लैंदे आ। असीं गलाता सी एक्सेस आटा, तो हुण असीं फोर्क नाल मोरिया कर देनी आ ताकि गोल गप्पे वांगर फुल ना जावन, तो फिर साढ़े फ्राई करन वास्ते रेडी आ। आखो असीं 10 कर देने मोरियां, ते चलो इन्हां फ्राई कर लैंदे आ। सो गाइस आ साडी रेडी हो गई आ पापड़ी, ते चलो इन्हां फ्राई कर लैंदे आ। इन्हां नूं असीं थोड़ा क्रिस्पी करना आ, लाइट ब्राउन कलर होना चाहिए है, ते फिर बाद चो ठंडी हो गई थोड़ी होर क्रिस्पी होंदी है, जो तुसीं कटते हो तो सॉफ्ट होंदियां आ। सो चलो इन्हां नूं असीं फ्राई कर लैंदे आ। सो गाइस आ देखो एन कलर आ गया इन्हां ब्राउन, ते साउंड करो ना टच करो तो क्रिस्पी भी हो गई है, तो उन्होंने असं कट दें तो इन्हें ठंडा हो दें। देखो साड़ी पापड़ी चाट की दुकान लग गई है, सारा इंग्रीडियंट मैं इतने रेडी कर ले हुए आ। तो जी पापड़ी पापड़ियाँ ने ये मैं थोड़ी जी लिया है, बाकी ठंडी हो रही है। तो साढ़े जोड़े आलू आ, सो मैं लई आ मिठी सॉस, दही जी दही वाली सॉस होंगी आ, फिर मैं लिया प्याज टमाटर तो अनार, तो उस मैं थोड़े ना चाट मसाला ले आया। तो चलो मैं इन्हें असेंबल करते हैं। सो हम मैं थोड़ी जी पापड़ियाँ लैनी है, तो इन्हों क्रश कर देना तो ताकि थोड़ी खानी ईजी हो जाए। काफ़ी क्रिस्पी ने, इदा हो गया। तो ये उपर मैं हाथ नहीं लगती पी हाँ, पर स्पून स्पान भी यूज कर सकते हो, असं खुद खाना ही है ना। सो हम मैं उपर पा देने आलू जस्ट लाइक दैट, आलू हो गए। तो हूँ मैं पानी सॉसा, सो पहले मैं कंबाइन कर ला। सो थोड़ी नहीं असं पाऊंगे जी होंगी आ सॉस, थोड़ी ना असं पाऊंगे दही। ये दही ने मैं थोड़ा ना पतला किया है, पर तभी थोड़ी थिक हो गई है, पतला किया ताकि थोड़ी ईजीली सर्व हो जाए। दही हो गई, हम असं पाऊंगे अपनी जी मिठी सॉस होंगी है। वैसे तो टॉपिंग्स जो भी तुम्हें लाइक है तुम पा सकते हो, तुम जो फ्रूट भी पा सकते एप्पल वगैरह जो ता मनपसंद है। ये जरा बेसिक ने जड़िया बेसिक होंगे आ, मैं थोड़े ने प्याज पाऊंगी जस्ट लाइक दैट, प्याज हो गए। तो हम थोड़े मैं टमाटर पाऊंगी, ये मैं चॉप किए थे डाइस, थोड़े व्डे रखने आ। टमाटर हो गया, तो हम असं पाऊंगे जड़े अनार,
अनार ना थोड़ा इन्ना स्वीटनेस आ जाती है। अनार हो गया तो हूँ मैं पाऊँगी तुम दसना भुल की भुजिया। भुजिया साढ़े को जो छोटा नहीं है थोड़ा व्डा वाले पा देना है, पर आलू उलू भुजिए तुम कुछ भी पा सकते। हो गया भुजिया तेन उसे टॉप कर देना होर सॉस ना ताकि ड्राई ना चले। तो मैं ओल्सो ये उपर थोड़ी जी पा दी स्वीट चिली सॉस, इन्ना थोड़ा इन्ना स्वीटनेस आ जूगी, अगेन थोड़ी नहीं पानी है। तो साढ़े चाट होगी रेडी, हूँ मैं सारा चाट मसाला भी पा देना, एक्चुअली भुल गई थी। सो देखो साड़ी चाट होगी रेडी, हम थोड़ा खलारा चक दी फिर टेस्ट टेस्ट देनी है। सो गाइस हूँ मैं ट्राई करने लगी हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हाँ क्योंकि बहुत टेस्ट लग गई देखने। गाइस बहुत ज़्यादा स्वाद है, मैं एक्सप्लेन नहीं मैंने करना था, मैं इन्नी वधिया नहीं कि, पर मैं जरूर 100% रेकमेंड करूँगी। असी पिछली बार बनाई सी उस तो ज़्यादा भी टेस्टी बनी है, ओह माय गॉड बहुत टेस्टी है। अभी वीडियो मैं अटेंड कर दी है, तुम्हें पसंद आई होगी जरूर साडे चैनल नूं लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो, तो मैं तुम्हें अगली वीडियो में मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। पर ठीक हो जानी आ गया सा।